देखना, अब पानी देखो यार कितना प्यारा है। तो भाई ये तो बन गया भाई पूरा साउथ अफ्रीका का। देखो लेफ्ट में नदी चल रही है, तो लोकेशन तो यार कैंप के हिसाब से बहुत ही प्यारी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है रिवर एक्स में। जैसे आप देख ही रहे हो सामने, हम ये पुल क्रॉस करके जाएंगे। बेसिकली जो हमने ये कैंप लिया है वो लिया है नीलकंठ रोड पे, ऋषिकेश से थोड़ा हटके है। देख रहे, अब पानी देखो यार कितना प्यारा है। तो इसलिए इसका रिवर नाम एक्स पड़ा है। और जो कैंप है उसके जितने भी एक्सपेंसेस है आपको बताएंगे क्या क्या बजट में और कब कब आने हैं, कि कब कब आ सकते हैं और क्या क्या अंदर फैसिलिटीज़ हैं, ये ज़रूर हम आपको बताएंगे। तो आप देख ही रहो सामने एंट्री है इसकी, और ये पूरा इनका प्रॉपर्टी, इनकी इतनी बड़ी है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। तो भाई ये तो बन गया भाई पूरा साउथ अफ्रीका का। ये रिवर साइड है क्योंकि रिवर साइड मेन शिवपुरी बंद हो चुके हैं, तो जो भी भाई कैंपिंग से ज़रूर करेगा प्यार वो रिवर एक्स ज़रूर आएगा। और यहाँ के ओनर से हम आपको मिलाते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे फैसिलिटीज़ है क्या, तो प्लीज़ आइए। तो ये है देबू जो इनके यहाँ के ओनर है रिवर एक्स के। तो ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या है आपके पास फैसिलिटीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर प्योर कैंपिंग करना चाहते हैं रिवर साइड में, तो ऐसी अब कुछ ही साइट्स बची हैं जिसमें से एक कैंप साइट हमारी है, और मात्र 8 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप ऋषिकेश से यहाँ पे कैंपिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो बेसिकली कौन सी रोड पे आपको क्या डिस्क्रिप्शन रहेगी आने के लिए? ये नीलकंठ रोड है, और इससे आगे हम नीलकंठ चले जाते हैं। यहाँ से करीब 15 किलोमीटर आगे नीलकंठ है, और घट्टूघाट एरिया है, ये पालियल गांव बोलते हैं इसको, इस एरिया को। तो यहाँ का मैं आपको लिंक दे दूंगा, जहाँ पे ये इनका गूगल मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप सीधा ही डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। तो ये दूर तो नहीं है, सड़क से कितना दूर होगा ये? मुश्किल से 200-250 मीटर के डिस्टेंस पे। 200-250, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर मैं आपको एक वाइड व्यू दिखाऊँ पूरा कैंपिंग का, तो बहुत सारे यहाँ पे कैंपिंग दिख रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे थोड़ा लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे आपको बीच में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे शायद बैठने का है, और बहुत सारे कैंप हैं। अगर मैं बात करूँ देबू जी, तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितने कैंप हैं? यहाँ पे हमारे पास टोटल 24 टेंट हैं। हाँ, और जिसमें से 21 टेंट जो हैं वो डबल और ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पे रहते हैं। हाँ, और 3 टेंट हमारे पास ऐसे हैं जिसमें 6 से 8 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ बीच में गैदरिंग के लिए भी है। हाँ, ये सिट आउट एरिया होता है, इसको बेसिकली पैराशूट बोलते हैं। पैराशूट तो अभी तो इसमें और चेयर्स आती हैं, और यहाँ पे सेटअप लगता है जैसे टी का, चाय का, हाई टी का जो, और शाम को हम पकौड़े देते हैं उसके साथ में, तो उसका सेटअप भी यहाँ पे रहता है। तो एक सिट आउट एरिया है मतलब। और यहाँ का अगर मैं ऑफ प्राइसिंग की बात करूँ कि ऑफ सीजन ऑन सीजन कब है, कब आना चाहिए, सबसे बेस्ट टाइम क्या है यहाँ पर और क्या प्राइसिंग होती है यहाँ पे? बेस्ट टाइम ऐसे जो रहता है जनरली फरवरी से और मार्च का रहता है, और दूसरा रहता है अक्टूबर नवंबर में, जो बेस्ट टाइम होता है। बाकी पीक टाइम मार्च से लेके और जून तक रहता है यहाँ पे, और पीक टाइम में जनरली यहाँ पे जो रेट रहते हैं वो 1200 रुपये पर पर्सन का रहता है ट्रिपल शेयरिंग पे, जिसमें कि हम मील्स भी प्रोवाइड करते हैं, लंच देते हैं इवनिंग में, टी उसके साथ में, टी पकोड़ा रहता है, डिनर रहता है, ब्रेकफास्ट रहता है। तो बेसिकली अगर हम पैकेज की बात करें तो पर पर्सन होता है, पर फैमिली होता है, या क्या पैकेज डील होता है? नहीं, पर पर्सन बेसिस पे होता है। जैसे एक टेंट में हम 3 लोग रुकते हैं तो उसका टोटल कॉस्ट जो है 3600 आता है, ठीक है। ऑफ सीजन में वो करीब 3000 रुपये, 2800 रुपये तक रहता है। जी, तो उसमें मील भी होता है, शाम का स्नैक्स भी होता है। जी, बाकी सारी अदर एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो? हाँ, वो फुल बोर्ड पे होता है, कंप्लीट मील्स होता है। अदर एक्टिविटीज़ में हमारे पास में वॉलीबॉल है, हमारे पास में बैडमिंटन का कोर्ट बना हुआ है, इवनिंग में कैंप फायर रहता है, लाइट म्यूजिक देते हैं हम। अच्छा, लाउड म्यूजिक यहाँ पे अलाउड नहीं है। बेसिकली हम वाइल्ड लाइफ के बीच में है, ये राजा जी नेशनल पार्क का एरिया आता है, तो यहाँ लाउड म्यूजिक अलाउड नहीं है, लेकिन लाइट म्यूजिक हम देते हैं। अच्छा, लाउड म्यूजिक। हाँ, 10 बजे तक। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा एक एटमोसफेयर है, कोई ज़्यादा दूर है, थोड़ा मतलब भीड़ भाड़ से दूर है, और बहुत शांति है यहाँ पे। जी जी जी, यहाँ पे मतलब देखिए, अगर कैंपिंग का एक्चुअल में कोई मज़ा लेना चाहता है तो ये परफेक्ट लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइवेसी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ पे जो लोग, जिसकी बुकिंग है, सिर्फ वही लोग आएंगे
और वही यहाँ पे रुकेंगे, भीड़ भाड़ से दूर है, आपको ट्रैफिक नहीं यहाँ इतना मिलेगा, अब नेचर का मतलब एंजॉय कर सकते हैं। तो शायद हम देख सकते हैं आपके जो भी रूम्स हैं। मैं एक टेंट आपको दिखा दूँ। तो गाइज इनके जो टेंट्स हैं हम आपको दिखाएंगे कि किस रेंज के हैं, ये भी हम पूछेंगे अगर इंडिविजुअली किसी को आना है या फैमिली को आना है, लेकिन आपको लुकआउट ज़रूर करना चाहिए कि इनके टेंट्स एक्चुअली है कैसे। तो वो तो गाइज एक टेंट में हम जा रहे हैं, इस टेंट पे मेरे को 3 बेड दिख रहे हैं, राइट? इसको हम क्या बोलेंगे? ये अल्पाइन टेंट बोलते हैं। अल्पाइन टेंट इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये ए शेप में बना हुआ होता है और ये ट्रिपल बेडेड टेंट्स है। और मैं ये देख रहा हूँ कि यह 1, 2, 3 यहाँ 3 बेड है जी। तो इसमें ऑप्शन 3 के भी हैं या 2 के भी हैं? 2 का ऑप्शन भी है। सेम इसी को हम अगर जब डबल शेयरिंग बेसिस पे होता है, कभी कोई कपल है या 2 लोग होते हैं, तो उसको हम डबल शेयरिंग पे कन्वर्ट करते हैं उसको। और अगर मैं सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि सबको समझ आता है कि मुझे अगर 3 बेड लेने हैं, 3 बेड वाला लेना है, तो ये कितने का प्राइसिंग मिलेगा विद मील? करीब 3600 रुपए का आपको पड़ेगा। ये ऑफ सीजन बता रहे हैं, ऑन सीजन? ऑन सीजन का रेट है। और ऑफ सीजन में क्या राइस? ऑफ सीजन में लगभग 3000 रुपए के आसपास। तो मतलब 700-800 रुपए का डिफरेंस पड़ेगा, इन डिपेंड्स ऑन क्या फैमिली आ रही है, क्या आ रहा है। तो जी। और इसमें वेज का हम पूछेंगे कि इसमें नॉन वेज या वेज क्या क्या आपका इंक्लूड रहता है? मील्स जो हमारे होते हैं वेज होते हैं, सिर्फ डिनर में हम वेज नॉन वेज दोनों प्रोवाइड करते हैं मील्स। बाकी हमारे पास में ऑप्शन है, हम आला कार्ड में भी कुछ भी अगर आपको ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं आप, हमारे पास में ऑप्शन सारी हैं। तो ऑप्शन आपके पास सारी होने वाली है, चाहे आपको नॉन वेज खाना है या वेज खाना है या कुछ स्पेशल डिमांड है, तो आप ज़रूर ऑर्डर करिए, या आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जो भी आपको टेस्टलेस नहीं मिलेगा चीज़ें, जो भी मिलेंगी बहुत ही प्योरिटी के साथ मिलेंगे और विद टेस्ट के साथ मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया। तो यहाँ की स्पेशलिटी यही है, मैंने भी खाया था तो बहुत अच्छा खाना था। और यहाँ पे आपका शायद डाइनिंग टेबल और डाइनिंग एरिया भी है? हाँ, हमारे पास डाइनिंग एरिया है, हमारे पास बॉनफायर एरिया है, हमारे पास वॉलीबॉल एरिया है, बैडमिंटन एरिया है, रिवर साइड में हमारे पास एक स्पेस है जहाँ पे हम कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, रिवर में फन कर सकते हैं। तो ये सारा रिवर साइड भी आप ही की प्रॉपर्टी है पूरी? जी, ये हमारे पास में लगभग करीब 3 एकड़ में ये प्रॉपर्टी बनी हुई है, और इसमें हमारे पास और भी स्पेस है, फ्यूचर में हम यहाँ पे कॉटेजेस का भी प्लान कर रहे हैं। और मैं ये देखूँ कि टॉयलेट थोड़ा सा कैंप से थोड़ा दूर है। जी, थोड़ा सा दूर है। मैं कैंपिंग में जो होता है वो टॉयलेट्स जो होते हैं वो टेंट से थोड़ा सा डिस्टेंस में रहते हैं, हाइजीन मेंटेन के लिए। अब मैंने सुना है कि अगर जो आपको रियल कैंपिंग का मजा लेना है ना, वो अटैच टॉयलेट बाथरूम में नहीं आता, थोड़ा हटके होना चाहिए, और हाइजीन का भी ऑब्वियसली मामला है, थोड़ा दूर जाके, क्योंकि टेंट अगर एक साथ हो जाएंगे तो टॉयलेट में थोड़ी स्मेल भी आती है, तो थोड़ा सा अच्छा है थोड़ा दूर है। ये बहुत अच्छी बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात। अब बेसिकली टॉयलेट वहाँ पर है जो आपको दिख रहे होंगे, वो सामने आपको दिख रहे होंगे। बाकी मेरे ख्याल से डाइनिंग एरिया वहाँ पर है जहाँ पे इनके सारे मील सर्व किए जाते हैं। जैसे इन्होंने बताया था ये बैडमिंटन का एरिया है, आगे बेसबॉल या बास्केटबॉल जो खेल सकते हैं उसका एरिया है, और बॉनफायर भी है यहाँ पे, देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था कि बॉनफायर भी है यहाँ पे, आप बॉनफायर कर सकते हैं। देखिए इस तरह की लकड़ियाँ यहाँ पड़ी हुई, इन्होंने एक पूरा सा स्पेस क्रिएट करा हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की है, सब कुछ यहीं क्लबिंग होती है, फैमिली वाले यहीं बैठते हैं और फ्रेंड्स यहीं आते हैं, कोई पार्टीज होती है, तो सब कुछ क्लबिंग बहुत अच्छा, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। तो आप ज़रूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना कैंपिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जो आपको एक फैमिली का एक इन्वायरमेंट देती है, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा पीस माइंड में, तो ये बहुत ज़रूरी है कैंपिंग के लिए। तो आई थिंक आपकी प्राइसिंग मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं लगी मुझे। और बाकी देखो, अगर साइड व्यू की बात करूँ तो बहुत अच्छा, रिवर बहुत पास है, और मुझे यहाँ से आवाज़ आ रही है, और थोड़ी दूर पे यहाँ पे देखो रिवर है वहाँ पे सामने, जस्ट बेसबॉल के साइड में, तो ज़्यादा दूर नहीं, तो कोई ख़तरा तो नहीं है पानी वानी से? नहीं, ख़तरा नहीं है, हम खाली बारिश के टाइम पे हम 2 महीने के लिए साइट वाइंड अप करते हैं, जब बारिश के टाइम पे जब थोड़ा पानी ज़्यादा होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे सेफ़ रिवर है बिल्कुल।